तो यार वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों जो फ्री फायर खेलते हैं। अब दोस्तों वो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि भाई तुम कुछ फ्री फायर के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पबजी वाला दोस्तों जो वीडियो वो वीडियो फिलहाल अभी टिकटॉक में वायरल चल रहा है। अगर दोस्तों आप फिर भी आप फ्री फायर वाला वीडियो कुछ इस तरह का बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने फ्री फायर वीडियो का भी दोस्तों लेआउट देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाला लेआउट को डाउनलोड कर लेना होगा। अब दोस्तों आते हैं काम की बात पर। गाइस आपको क्या करना है, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने बैकग्राउंड में किसी एक करके पर्दे को आपको लगा लेनी है। और उसके बाद गाइस यहां पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूं। अभी गाइस सेम इसी तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइनमास्टर उसको आपको ओपन करना होगा। तो दोस्तों चलिए अपने काइनमास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहां पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब आपको जो बीच में यहां पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह तीन एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपको जो एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 16:9 का। आपको दोस्तों 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने पबजी का दोस्तों जो होम स्क्रीन का वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आप फ्री फायर इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फ्री फायर वाले वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, जो आपको राइट साइड में यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले मीडिया पर आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आप अपने हिसाब से वीडियो को गाइस आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो को आप कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको सीधा इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर मैंने वीडियो खान का जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको ब्यूटी खान के डांस का जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्यूटी खान के डांस का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है उसको फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब है इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमा के में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर इनेबल पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे ब्यूटी खान का दोस्तों जो वीडियो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह दोस्तों इसको एडजस्ट कीजिएगा सबका। दोस्तों मैं जिस तरह से गाइस यहाँ पबजी में एडजस्ट कर रहा हूँ, आप दोस्तों अगर फ्री फायर में इस वीडियो को कर रहे हो तो गाइस आपको क्या करना है, फ्री फायर में दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कर लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आप जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किया है उस वाले वीडियो गाइस आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, सेम दोस्तों इसका भी आपको बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब है इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है वो गाइस आप जिस कलर के दोस्तों आप बैकग्राउंड को आप यूज़ किए होंगे उस वाले कलर को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इनेबल करेंगे आपका दोस्तों जो वीडियो है कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा, तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ। आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से ओके कर लेना है। और इस वाले फाइल को फ्रेंड्स क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह को आपको लाना होगा। कुछ इस तरह से इस जगह पर लाने के बाद गाइस अब अगर दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखते हैं तो आपका वीडियो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके गाइस आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना है और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।